हाय गाइस, मैं निशांत चाहर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। इस रोड मैप में क्या होने वाला है, तुम्हें पहले बताया जाएगा यार ब्लॉकचेन डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा कितने तरीके के ब्लॉकचेन डेवलपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड की, कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्नोलॉजीज, क्या क्या टूल्स तुम्हें चाहिए होंगे, क्या क्या चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी टू बिकम अ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर, ठीक है। तो और जो जो रिसोर्सेज मैं तुम्हें बताऊंगा सबका लिंक तुम्हें मिल जाएगा, पूरा रोड मैप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वीडियो पूरी देखना, अगर नहीं देखोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, क्या लिंक्स हैं, क्या चीज़ है, कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कैसे चीज़ें करनी है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हैं, कौन से टूल्स हैं, सब कुछ तुम्हें समझाने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो तुम्हारा एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। एंड यार, इस वाली वीडियो में हम लाइक टारगेट रखते हैं 2500 लाइक्स का। पिछली वाली वीडियो में तुमने ऑलमोस्ट 2000 करवा दिए हैं, वो तो हो ही जाएंगे, इसमें 2500 का टारगेट रखते हैं। और कमेंट सेक्शन में जाके तुम लिख सकते हो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ओपी। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, एग्जैक्टली ब्लॉकचेन है क्या। तो यार ब्लॉकचेन नाम से ही समझ आ रहा है, ब्लॉक्स की चेन है, राइट। अब ब्लॉक्स में क्या स्टोर होता है, ब्लॉक्स में तुम्हारा प्रीवियस नोड का हैश स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तुम्हारे करंट नोड का डेटा एंड करंट नोड का हैश स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो यार अब एक ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ठीक है, तुम्हारे एक ब्लॉक के अंदर यार प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है, ठीक है, और इस ब्लॉक का डेटा एंड इस ब्लॉक का हैश होता है। अब इस ब्लॉक का जो हैश बनाया जाता है, जो जनरेट होता है, वो प्रीवियस ब्लॉक के हैश प्लस करंट ब्लॉक के डेटा से बनता है। तो अगर तुम पिछले ब्लॉक में कुछ भी चीज़ चेंज करोगे तो इस वाले ब्लॉक में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उसके नेक्स्ट में चेंज हो जाएंगी, उसके नेक्स्ट में चेंज हो जाएंगे, तो पूरा करप्ट हो जाएगा। इसलिए इम्यूटेबल है, अगर तुमने कोई एक ट्रांजेक्शन कर दी तो वो कर दी, काम खत्म, उसके बाद तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट्स एन इम्यूटेबल डेटा बेस। इसमें नए नए नोड्स ऐड होते रहते हैं बट पुराने वाले को तुम अपडेट नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ब्लॉकचेन। अगर तुम्हें और इसके बारे में इनडेप्थ समझना है, तुम क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे या फिर तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इज ब्लॉकचेन, वहां पे जाके तुम पढ़ सकते हो, नहीं तो बेसिक यही आइडिया होता है। यार अब ब्लॉकचेन हर जगह होता तो रहता है, अब एक्चुअली डेवलपर्स कर क्या रहे होते हैं, कौन सी चीज, कौन सी एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, यूज केसेस क्या क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा तुम्हें बताता हूँ। यार तुमने काफ़ी ज़्यादा NFTs के बारे में सुना होगा, नॉन फंजेबल टोकन, ठीक है। ये ऐसे डेफिनेशन वगैरह समझोगे तो कुछ ऐसे खास समझ आता नहीं है, शायद तुम्हें ना आता हो, तुम इसके बारे में गूगल वगैरह कर सकते हो। NFTs में यार तुम एक डिजिटल कोई चीज़ खरीद रहे होते हो जो तुम्हें कभी फिजिकली नहीं मिलेगी, एंड वो एक एसेट टाइप का है, तुम वो क्रिप्टो करेंसी से खरीदते हो और उसको बेचोगे तो तुम्हें क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। ये वाला सिस्टम है बेसिक, ठीक है, ऊपर से। उसके अलावा यार DeFi करके चीज़ें होती हैं, DeFi, दैट इज योर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन, ठीक है। वो सब भी अब आजकल ब्लॉकचेन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब तुम्हारा पूरा क्रिप्टो करेंसी ही ये वाला है, ठीक है, DeFi एक तरीके से। उसके अलावा यार तुम Web3 के बारे में तुम सुन रहे होते हो हर जगह, तन में भट इतना ज़्यादा Web3 करता रहता है, Web3 इज़ द फ्यूचर नाउ, क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर। तो यहाँ पे तुम्हारा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट यूज़ हो रहा होता है, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मेटावर्स, यार मेटावर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा Web3 और तुम्हारा ब्लॉकचेन यूज़ होने वाला है। उसके अलावा यार गेमिंग वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन यूज़ होने लग गया है। तो यार ये कुछ तुम्हारे यूज़ केसेस, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है तुम्हें ये वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यार नेक्स्ट चीज जो तुम्हारी आती है वो आती है कितने टाइप के ब्लॉकचेन डेवलपर्स वगैरह होते हैं। तो मेनली दो टाइप के ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं, एक तुम्हारा ब्लॉकचेन डेवलपर होता है जो पूरी ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। वो तुम्हारे C++, C#, तुम्हारा पाइथन, रस्ट, इन सब लैंग्वेजेस में कोड कर रहे होते हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हारे लिए एक मैसेज है फ्रॉम cryo.do। अब यार cryo.do क्या है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका क्या मतलब है, तुम वहाँ पे प्रोजेक्ट करने से नई टेक्नोलॉजीज वगैरह सीखते हो। तो अब नॉर्मल कोर्सेज में क्या होता है, तुम्हारे पास एक या दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक दो प्रोजेक्ट्स को बना के तुम थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है यार, यहाँ पे तुम्हें एक पूरा इंटर्नशिप लाइक माहौल बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारे बग्स वगैरह रेज होते हैं, तुम्हारी टिकट्स वगैरह रेज होती है, तुम पूरे सिस्टम के थ्रू जाते हो, तुम्हें बग्स सॉल्व करने पड़ते हैं, टिकट्स तुम्हें मिलती हैं, एंड ऐसे तुम चीज़ें सीख रहे होते हो। एंड यार काफ़ी तुम्हें एक इंटर्नशिप टाइप की फील मिल जाती है इसके बाद। एंड यार ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्या होता है, तुम्हारे पास एक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं काफ़ी बढ़िया। एंड यार रिक्रूटर्स को ना प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्लस यार तुम्हें पर्सनलाइज करियर असिस्टेंस भी मिलती है थ्रू आउट योर जर्नी, दैट वुड हेल्प यू लैंड अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब। ब्रो यार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, अगर तुम नीचे वाले लिंक से जाओगे तो तुम्हें कुछ स्पेशल प्राइजेस, गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे होंगे। अब उस लिंक पर जाने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, अपनी
एक ईमेल एड्रेस डालनी होगी। ईमेल एड्रेस डालने के बाद क्या होगा, तुम्हें 10% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा इनके कोर्सेज पे, प्लस तुम्हें 25% स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो तुम अवेल कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें गाइड टू मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाता है, छोटी सी गाइड मिल जाती है तुम्हें रेज्यूमे रिलेटेड, ऑल्सो एक गाइड मिल जाती है तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड इंटरव्यूज से रिलेटेड। सो आई डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। इसके अलावा यार जो तुम्हारा दूसरा साइड होता है, तुम्हारा ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर होता है, ठीक है, वही जो तुम बोलते हो ना ब्लॉकचेन डेवलपर कंपनीज हायर कर रही हैं, वो इस वाले ब्लॉकचेन डेवलपर को हायर कर रही होती हैं, एप्लीकेशन डेवलपर को, जो करंट एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपने कुछ एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के तुम्हारे होते हैं। और जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं वो एक तरीके से तुम्हारे फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ अ डेटाबेस। अब उस डेटाबेस को यूज करने के लिए तुम्हें बैक एंड फ्रंट एंड आना चाहिए, जब भी तुम उस डेटाबेस को यूज कर सकते हो। यार जैसे तुम्हारा मान या मीन स्टैक होता है, इसमें जो एम होता है वो तुम्हारा मोंगोडीबी होता है, राइट, वो एक तरीके का डेटाबेस है जो यूज कर रहे होते हैं। सिमिलरली ब्लॉकचेन को भी तुम यूज कर सकते हो, तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिख सकते हो एंड उनको तुम एज अ बैक एंड यूज कर सकते हो, ठीक है, एज अ डेटाबेस यूज कर सकते हो। तो इसलिए जो ये वाले डेवलपर्स होते हैं ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर, एक तरीके के फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपर्स होते हैं, इनको कंपनीज हायर कर रही होती हैं। तो अब हम इसी की बात करने वाले हैं, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर वाला रोड मैप है इस वीडियो में, हम उसकी बात करेंगे। तो अब वापस रोड मैप पे आ जाते हैं, ठीक है यार। सबसे पहले तुम्हें कुछ लैंग्वेजेस वगैरह सीखनी पड़ेंगी, जब तुम कोई लैंग्वेज सीख लोगे उसके बाद तुम्हें कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होंगे जिससे तुम ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। उसके बाद इसके साथ कुछ यार फ्रेमवर्क्स वगैरह होती हैं, लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं जो तुम्हें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। एंड फाइनली ये तुम्हारा वेब डेवलपमेंट रोड मैप का लिंक इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इसमें तुम्हें नोड जेएस, तुम्हें रिएक्ट जेएस, तुम्हें जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखना पड़ेगा। तो तुम वहाँ पे जाके रिसोर्सेज वगैरह देख सकते हो। थोड़े दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो ही यही बनाई थी, वेब डेवलपमेंट रोड मैप 2022, एंड उसमें लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया एक तुम्हारा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का अभी बना दो, तो इसलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए आ रही है काफ़ी तेज़ी में। तो यार मेनली ये दो लैंग्वेजेस हैं। सॉलिडिटी में तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिख रहे होते हो, जो तुम्हारा इथेरियम ब्लॉकचेन है ना यार, इथेरियम पे तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इथेरियम के लिए तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे होते हो, और जो लैंग्वेज में तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होते हो यार वो सॉलिडिटी होती है। तो यार सॉलिडिटी ना तुम्हारा मिक्सचर ऑफ क्या कहते हैं C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट ऐसा है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखना इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना वगैरह, बहुत ईजी होता है। मैंने खुद सीखी थी सॉलिडिटी कॉलेज के टाइम पे, तो डिसेंट है, ज़्यादा टाइम तुम्हें लगेगा नहीं। क्लासेस की तरह तुम्हें कोड लिखना होता है कि अगर ए पर्सन ने ये किया तो बी पर्सन को इतने पैसे चले जाने चाहिए, इस ट्रांजेक्शन में ये होगा, मतलब इस टाइप का तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब इसमें दो रिसोर्सेज हैं, एक तुम्हारा वीडियो ट्यूटोरियल है, ठीक है, एक तुम्हारा चैनल है डाप यूनिवर्सिटी करके, डाप का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, डाप की ये फुल फॉर्म होती है अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो उसकी वीडियो ट्यूटोरियल तुम जाके देख सकते हो। उसके अलावा यार यहाँ पे क्लिक करोगे तो सॉलिडिटी का डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, तुम डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ के देख सकते हो अगर तुम्हें ये ज़्यादा पसंद है तो, नहीं तो उसके अलावा तुम वीडियो में तो जाके देख ही सकते हो। तो ये तुम्हारा सॉलिडिटी का सिस्टम, जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने दिया नहीं क्योंकि वेब डेवलपमेंट वाले रोड मैप में तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तुम सीख लोगे तो उसके बाद तुम इसकी लाइब्रेरीज जो हैं, तुम्हारे जो फ्रेमवर्क्स हैं रिएक्ट जेएस, तुम इसके बाद नोड जेएस, ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो वो इसलिए बेसिक जावास्क्रिप्ट तुम्हें पहले सीखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं यार तुम्हारे टूल्स विच यू विल नीड। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए तुम्हें यार एक एप्लीकेशन चाहिए होगी, राइट। तो अगर तुम ब्राउजर पर लिखना चाहते हो तो यार रीमिक्स एक काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है। तुम यहाँ पे इथेरियम की सॉलिडिटी के तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, तुम यहाँ पे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन्होंने कुछ एग्जांपल डाल रखे हैं। अभी बैलेट सॉल जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक तरीके से वोटिंग वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी ने लिखा हुआ है, जैसे तुम देख सकते हो सिमिलर टू तुम्हारा C++ और जावास्क्रिप्ट टाइप का कोड है, ठीक है, तो सीख जाओगे, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे तुम लिख के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बेसिक अगर तुम्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सीखने हैं तुम यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, तुमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखने सीख लिए, तुम इस पर चला के देख सकते हो, दिस इज़ वन ऑप्शन। उसके बाद अगर तुम्हें अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे सीखना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, कुछ तुम्हारे फ्रेमवर्क्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे, लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए होंगी, एप्लीकेशन वगैरह चाहिए होंगी, वो सारी तुम्हारी ये हैं, ठीक है। अब ब्लॉकचेन वाली कोई भी वेबसाइट अगर तुम्हें यूज़ करनी होती है उसके लिए तुम्हें मेटामास्क चाहिए होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन की अगर तुम कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो जो ब्लॉकचेन यूज़ करती है, तो तुम्हें उसके लिए कुछ गैस फीस वगैरह देनी पड़ती है, उसके लिए यार मेटामास्क यूज़ होता है, ठीक है। एक ये तुम देख सकते हो, ठीक है, ये ऐसा फॉक्स टाइप का तुम्हें दिखेगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना होता है कि अगर अच्छा ये चीज़ करनी है तो तुम्हें ये पे करना पड़ेगा, ये सेंड करना पड़ेगा, ये सब तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम्हें अपने ब्राउज़र पे। नेक्स्ट चीज़ तुम्हारा ट्रफल, ट्रफल तुम्हारा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए।
अब तुम ये अपने पीसी में डालोगे तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा काम ईजी हो जाएगा, ठीक है, तुम यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। उसके बाद यार गनाश है, अब गनाश क्या है, जो तुम्हारा ये क्या मेटामास्क था ना, उसमें तुम काफ़ी सारे टेस्ट नेटवर्क्स में तुम इथीरियम ले सकते हो, ताकि तुम अपना काम वाम तुम अपने जो भी तुमने एप्लीकेशन बनाई है उसको टेस्ट वगैरह कर सकते हो। सिमिलरली गनाश भी तुम्हें एक ब्लॉकचेन अब तुम्हारे लैपटॉप पे सेटअप करके दे देता है, जिसमें तुम्हें 100 कुछ अकाउंट्स दे देता है, उसमें 100 इथीरियम जो टेस्ट वाले होते हैं जिनका तुम्हें कुछ ऐसा होगा नहीं, ठीक है, फ्री टाइप का वो सब दे देता है, ताकि तुम अपने एप्लीकेशन वगैरह को टेस्ट कर सको, तो ये तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यार तुम्हारा फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज जो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। अब Web3js है यार बेसिक, जो तुम्हारा इंटरैक्ट कर रहा होता है, तुमने एक एप्लीकेशन बनाई रिएक्ट में नोड के साथ मिला के कुछ तुमने एक एप्लीकेशन बनाई एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुमने सॉलिडिटी में लिखा, तो ब्लॉकचेन के साथ जो इंटरैक्ट कर रही होगी लाइब्रेरी यार वो तुम्हारी होती है Web3js, ठीक है। अब इसका भी मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल डाल रखा है और डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियो ट्यूटोरियल तुम जाके देख सकते हो, ये तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन है यार, ठीक है, यहाँ से तुम पढ़ना सीख सकते हो, यहाँ से भी सीख सकते हो और वहाँ से भी सीख सकते हो, तुम्हारी बिल्कुल मर्जी है। उसके बाद यार रिएक्ट जेएस की भी मैंने डाल रखी है इसमें, तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डाल रखे हैं तो रिएक्ट और नोड दोनों का। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी देखना है तुम वेब डेवलपमेंट वाला रोड मैप में जाके देख सकते हो, ये अपना वेब डेवलपमेंट वाला रोड मैप है, ठीक है, इसको तुम जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग्स, दीज आर द बेसिक टूल्स लैंग्वेजेस जो जो तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, इसमें सारे लिंक रिसोर्सेज वगैरह मैंने तुम्हें दे दिए हैं, ठीक है। यार वीडियो एंड करने से पहले तुम्हारे लिए कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, जब तुमने ये सारा रोड मैप फॉलो कर लिया, तुमने सीख लिया कि क्या होती है तुम्हारी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, उसके बाद तुम बना सकते हो कुछ प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार इस पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, जहाँ पे भी तुम्हें ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी हो वहाँ पे तुम ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे भी तुम्हें इम्यूटेबल बनाना हो सिस्टम को वहाँ पे तुम ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी टैम्परिंग नहीं चाहिए तुम्हें किसी भी चीज़ के साथ वहाँ पे तुम ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं। सबसे पहले यार ये मैंने खुद बनाया था, ठीक है, मेरा एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट था अपने कॉलेज के टाइम पे। तो यार अगर तुमने किक स्टार्टर के बारे में सुना होगा तो यार वो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बट वहाँ पे क्या होता है यार बहुत सारे लोग ना बस स्कैम करने के लिए आते हैं, तो उस स्कैम से बचने के लिए तुम एक एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ पे लोग वोट वगैरह कर सकते हैं, अपने ब्लॉकचेन में पेमेंट कर सकते हैं, जो सारी चीज़ें होंगी ट्रांसपेरेंट होंगी, अगर उस बंदे को कोई चीज़ खरीदनी होगी तो तुम वो बस ब्लॉकचेन से ही खरीद सकता है, ऐसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तुम सोच सकते हो पूरा एक, ठीक है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म ऑन ब्लॉकचेन फर्स्ट। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड इज यार एक तरीके का ऊबर बट विदाउट द मिडल मैन, मतलब ऊबर में ऊबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऐप से तुम एप कार पूलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है, दो लोगों को सेम जगह पे जाना है, ब्लॉकचेन तुम्हारे पास एक ऐप है, उस ऐप पे तुमने कहा कि मेरे को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ से ए से बी जाना है और सेम बंदा जा रहा है, तुम साथ में एक कार पूल कर सकते हो, तो एक तरीके से ये एक एप्लीकेशन तुम बना सकते हो। नेक्स्ट इज योर ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम, ठीक है, वोटिंग के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकता है यार ब्लॉकचेन। अब जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट आइडियाज़ के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि ट्रांसपेरेंसी वगैरह जहाँ पे भी बढ़ानी है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन को, तो वोटिंग में एक ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड इम्यूटेबिलिटी, क्योंकि अगर किसी ने एक बार वोट कर दिया तो कर दिया, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं किया जाना चाहिए, तो एक वोटिंग एप्लीकेशन काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा यार फोर्थ प्रोजेक्ट हमारा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट जो स्टोर है वो ब्लॉकचेन पे हो जाए, तुम्हारे जैसे कुछ भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो सारे ब्लॉकचेन पे हो, तुमने कोई चीज़ खरीदी हो ब्लॉकचेन पे हो, तुम्हारे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जो भी तुम्हें डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं, आधार कार्ड पैन का कुछ ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रहा हो, तो एक ये काफ़ी अच्छा तुम्हारा प्रोजेक्ट बन सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ वन इज यार स्टॉक मार्केट ऑन ब्लॉकचेन, पूरी स्टॉक मार्केट को ही ब्लॉकचेन पे बना दिया। अब इसका अच्छा एक एग्जांपल तो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हो रही होती है, बाय सेल कर रहे होते हैं हम काफ़ी सारे ऐप्स पे, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतना ही था आज वाली वीडियो में, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अब तक नहीं किया है, तो इस वीडियो का लाइक टारगेट यार 2500 लाइक्स रखते हैं, तुम लोग कर दो क्या, नो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।